हाय फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 × a² + b² के फॉर्मूले को प्रूफ के साथ समझते हैं। मैं इससे पहले वाली वीडियो में ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग जाकर के इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम इसको जानते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। जी, ये हो गया फैक्टर, ये फैक्टर फॉर्मूला हो गया। इसी का दूसरा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसका वैल्यू मान लेते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है फ्रेंड्स कि हमको प्रूफ करना है, हमको तो बाकी याद ही नहीं है, मान के चलो हमको सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह का हमको क्वेश्चंस में है। तो अगर जब आपको ये फॉर्मूला याद ना हो तब भी आप उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो आप इस ट्रिक को अपना लीजिएगा, यानी बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाली है। जी, तो शुरू करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या इसको हम लोग ए प्लस बी होल स्क्वायर में लिख सकते हैं? जी, तो इसका फॉर्मूला क्या है हम लोग जानते हैं। इससे पहले हम लोग नेक्स्ट इसका पहला वाला वीडियो में हम लोग इसको जान चुके हैं। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी, आपको यह करना क्या है, फिर मैं एक चीज़ आपको बताने जाऊंगा कि जो जीरो मेथड है उचित का इस्तेमाल करेंगे। प्लस 2ab आया, यहाँ एक्स्ट्रा आया है क्योंकि हमको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो माइनस लास्ट में 2ab इसमें लगा, ताकि अगर वो दोनों को हटा दिया जाए तो वो अपने आप जीरो बन जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस, तो यहाँ क्या करेंगे, 2ab को तोड़ देंगे, तो ab प्लस ab हो जाएगा, ए प्लस ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab को से मुता लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि आप कॉमन ए स्क्वायर और ए बी में कॉमन ए आ जाएगा, तो बचेगा ए प्लस बी, और यहाँ कॉमन आ जाएगा ए बी, और प्लस बी स्क्वायर में कॉमन आ जाएगा, बी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा ए प्लस बी और माइनस 2ab को एज इट इज उतार लेंगे। तो ए बी और ए बी में कॉमन आएगा तो ए प्लस बी ले लेंगे, तो बचा क्या हुआ, ए प्लस बी माइनस 2ab। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो इसको क्या होल स्क्वायर में लिख सकते हैं कि नहीं, ए प्लस बी होल स्क्वायर जी माइनस 2ab एज इट उतारेंगे। तो प्रूफ हो गया, मेरा फैक्टर वाला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो चलिए इसको हम लोग वैल्यू को भी सेम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो आप लोग कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की, उसके बाद फिर वीडियोज में देखिए। वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, जब भी कोई मैथ सॉल्व करो उससे रिलेटेड एक खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर लिखते हैं, फिर सेम वही रहेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला एज इट इज जो हम लोग पहले लिखे, ए स्क्वायर प्लस 2ab जी 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ करना क्या है कि वहाँ पहले जी, तो ए स्क्वायर या माइनस कर देंगे, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और यहाँ फ्रेंड्स यहाँ माइनस है पहले, तो यहाँ प्लस 2ab कर देंगे, तो फिर जीरो मेथड के तरीके से ये खत्म हो जाएगा। तो फिर हमको करना क्या है, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस, तो ए बी लिखेंगे, 2ab है तो माइनस फिर से ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम उसी तरह से यहाँ आप क्या करें, कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकालेंगे तो क्या, ए इंटू ए माइनस बी, या माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बी और प्लस 2ab उतार लेंगे एज इट इज। तो ए माइनस बी कॉमन ले लेंगे, हाँ, तो बचा क्या, ए माइनस बी प्लस 2ab, तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। जी, ये भी प्रूफ हो गया, जो देख सकते हैं ये प्रूफ हो गया। तो इसी तरह से आप फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
जी दूसरा फॉर्मूला है 2 × a² + b²। जी तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a+b² + a-b² जी। हमको जानना है कि ये आया कैसे, अगर हमें याद नहीं है तो हम कैसे लेके आए उसको। तो जी इसको हम लोग सॉल्व बना सकते हैं, तो 2 × a² + b² तो क्या 2a से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 2a² हो जाएगा, प्लस 2b से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 2b² हो जाएगा। तो हम इसको तोड़ते हैं तो एक बार a² लिख सकते हैं कि नहीं, तो 2a² हो जाएगा, प्लस में लिखेंगे तो एक बार a² लिखेंगे तो प्लस, एक बार b² लिखेंगे प्लस, फिर a² लिखेंगे प्लस, b² लिखेंगे तो 1b² 1b² 2b² हो जाएगा, 1a² 1a² 2a² हो जाएगा। जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक काम और करेंगे a² + 2ab + b² आप यहाँ बोलिएगा 2ab कहाँ से आया। जी बाय जीरो मेथड, यहाँ हम इसको जीरो ही कर देंगे, इसके लिए आप टेंशन नहीं है। प्लस a² - 2ab आ गया, तब तो ये ख़त्म हो गया, प्लस 2ab - 2ab ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं करनी है, क्या फॉर्मूला सेट कर रहे हैं हम लोग 2ab + b² तो चलिए a² + 2ab + b² ये किसका फॉर्मूला है, a + b² का। जी उसके बाद प्लस बचा, प्लस a² - 2ab + b² किसका फॉर्मूला है, a - b² का। जी प्रूफ हो गया। हाँ फ्रेंड्स तो देख सकते हैं कि हम लोग इस तरह का जो हम लोग का बेसिक फार्मूला है इसको याद रखने की आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की से हम लोग जितने भी सारे बेसिक मैथ्स है हम लोग फार्मूले ट्रिक की मदद से हम लोग इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। शर्त है कि हम लोग को सॉल्व करना आना चाहिए।